हेलो दोस्तों, तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का पेपर वन आ चुका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह का पेपर आया था, क्या डिफिकल्टी लेवल था और आंसर की जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ओवरऑल इंप्रेशन जो है वो हमेशा की तरह मॉडरेट है पेपर का। कई लोग कह रहे हैं पेपर ईजी है, लेकिन पेपर ईजी नहीं है, पेपर ज्यादा फैक्चुअल है जो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पिछली बार से हम अपनी कट ऑफ के अंदर ज्यादा डेविएशन नहीं देख सकते। पिछली बार के जैसे ही 95 से 110 के बीच के अंदर आप कट ऑफ, या मैं कहूंगा 95 से लेके 105 के बीच में, क्योंकि सीटें कम होगी है इसकी वजह से बढ़ सकती है, लेकिन जो लेवल है पेपर का वो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल बेसिक इंप्रेशन। बाकी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आसान है, फॉर एग्जांपल जो कि राजा तोमर सिंह के ऊपर क्वेश्चन है वो आसान में आएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्य समाज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, एक क्रोनोलॉजी पूछी गई है, तो क्रोनोलॉजी इज इजी, बट जो आर्य समाज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन टफ है। तो इसकी वजह से जो हिस्ट्री का भी फैक्चुअल पेपर है इस बार, जिसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ हो जाता है, उसको हम इजी नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन पॉलिटी का पेपर कंपैरेटिवली पिछली बार से हम कहेंगे उसी लेवल पे या फिर हल्का सा इजी है, उसके अंदर इतने ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार थोड़ा सा डेविएशन ये है कि थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट इज 22 डिग्री एंड 24 डिग्री, विच मोस्ट स्टेट कहां आएंगे, 22 डिग्री पे आएंगे 24 डिग्री पे आएंगे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो स्मार्ट वर्क की जरूरत थी यहाँ पे, इससे रोट लर्निंग से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत थी। तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल देखो तो ज्योग्राफी क्वेश्चन ऑन द लाइंस है, ज्यादा डेविएशन नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे 3 से 4, वो काफी टफ थे। ओवरऑल इकोनॉमी का जो एक्सप्रेशन था वो लेवल हम बात करेंगे वो हल्का सा मॉडरेट टू टफ ही था, उसको हम आसान नहीं कर सकते। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो बात अलग है, लेकिन यूपीएससी के लिए हम इतनी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उसका लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल थे और कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं। इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल 2 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो ये कि कौन से एक्ट के तहत फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर पूछा गया है कि कौन से स्टेट के अंदर हाईएस्ट डेंस फॉरेस्ट है। ओके, तो ये भी हम स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते जरूर है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते, जिसकी वजह से थोड़ा आंसर करना टफ हो जाता है। ओके, बाकी क्वेश्चन सारे कॉमन थे जो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। साइंस अगेन मेरे हिसाब से साइंस हल्की सी थोड़ी ज्यादा टफ है पिछली बार से। वह तो हर बार टफ साइंस पूछी जाती है, लेकिन अब तक क्वेश्चन जो हमारे सामने आए हैं वो मॉडरेट टू टफ लेवल के ही हैं। हाँ, कई क्वेश्चन हैं इजी, लेकिन 26 क्वेश्चंस के अंदर से हम ज्यादा बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन तो मॉडरेट टू टफ लेवल के ही हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग और मैथ अगेन जो हर बार जैसा लेवल आता है, 20 क्वेश्चंस आए हैं और 20 क्वेश्चंस उसी लेवल के आए हैं जो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2 नई चीजों की। एक थे करंट अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स को मैं करंट अफेयर्स के अंदर गिन रहा हूँ, उसके अंदर से काफी सिंपल से क्वेश्चन पाए गए हैं और उसके अंदर से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट एक क्वेश्चन इस बार गवर्नेंस पे ही पूछा गया है, उसको आप पॉलिटी में भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं उसको गवर्नेंस में रख रहा हूँ, एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। तो ये था एनालिसिस। अब बात करते हैं आंसर की। आंसर की हमारी अपलोड हो गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया, आप वहां से आंसर की देख सकते हैं। बाकी और डिटेल्ड एनालाइज आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास फीडबैक आएंगे, और एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा मैं जिसके अंदर थोड़ी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।